नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारे रेसिपीज तो देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर पसंद आता है, पसंद है या फिर कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा हमें। आज हम बनाएंगे बटर लसनी नान, जो काफ़ी होटल में आपकी पसंदीदा चीज़ होती है। तो आज घर पे बनाएंगे फ्रेश बटर लसुनी नान। कैसे बनाते हैं, उसके लिए लगेगा आपको आटा या मैदा, तेल, दूध, पानी, पिसा हुआ लहसुन, शक्कर, नमक, ईस्ट यानी कि खमीर और बटर। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ही अब नान अच्छे से फूल पाएगा। तो सबसे पहले शक्कर और दूध लेना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि शक्कर उसमें घुल जाए, और फिर उसमें ईस्ट यानी कि खमीर डाल के मिक्स करेंगे। दूध गुनगुना होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना दूध होगा तो ही आपका ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो पाएगा, फूल पाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। भले हम इसमें ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ये आप घर में फ्रेश बना रहे हो आटे से या मैदे से, तो इसीलिए आप इसे बेझिझक खा सकते हो। ये ईस्ट एक्टिवेट हो गया है, इसमें बबल्स आ गए हैं अच्छे से, तो आप इससे आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए आप मैदा, आटा जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हो। इसमें नमक और ईस्ट डाल के आटा गूंदेंगे। जैसे आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, पूरी के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही ये आटा गूंदना है। नरम करना है रोटी के लिए, जैसे आटा थोड़ा कड़क रहता है, या पूरी के लिए उसे थोड़ा नरम करना है। हम इसे घर में फ्रेश बना रहे हैं तो गार्लिक नान काफ़ी लोगों को होटल में पसंद आता है, तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। आप इसमें चाहिए तो कोई सब्जी जैसे पालक वगैरह डाल के इसे पौष्टिक भी बना सकते हो। होटल में क्योंकि आटा गूंदा हुआ रहता है तो कभी कभी आपको तकलीफ होती है, इसलिए घर में आप ये फ्रेश बनाइए। तो इसे गूंदते जाना है, इसे तेल लगा के साइड साइड से मोल करके ऐसे बॉल बनाते जाना है ताकि इसमें अच्छे से हवा ट्रैप हो। इसे ढक के रखना है गीले कपड़े से, आधे घंटे के लिए इसे ढक के रखें ताकि ये आटा अच्छे से फूल के डबल हो जाएगा और काफी नरम भी हो जाएगा। थोड़ा तेल लगाइए और उसमें ढक के रखिए, गीला कपड़ा इस्तेमाल करना है। आपको अगर इसका चीज गार्लिक नान बनाना है तो हम चीज भी इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं। तो अभी सबसे उस पे लगाने के लिए बटर गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे, जिसमें आपको लहसुन और बटर लेकर एक साथ उसे अच्छे से मिक्स करना है, क्रीमी बनाना है। अभी आपका आटा तैयार है जो फूल के डबल हो गया है आधे घंटे के बाद। बटर गार्लिक यानी कि लहसुन और बटर का पेस्ट रेडी है। अभी थोड़ा आटे का गोला लेके, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे रोटी बेल लिए। थोड़ा जाड़ा रखना है, एकदम पतला नहीं करना है। थोड़ा जाड़ा रोटी बेल के उसके ऊपर बटर गार्लिक का पेस्ट लगाएंगे। अगर आपको चीज़ का गार्लिक नान बनाना है तो आपका चीज़ ग्रेटेड होना चाहिए, और जब हम उसको सेकेंगे तब उसके ऊपर चीज़ लगा सकते हैं। तो अभी इसके ऊपर बटर गार्लिक का पेस्ट लगाएंगे। इसमें आप कलौंजी भी डाल सकते हो, तिल डाल सकते हो। अच्छे से लगा के अभी इसे हम गरम तवे पे सेकेंगे। तवा गरम कीजिए, अगर आपका
लोहे का तवा है तो काफ़ी अच्छा है। लोहे के तवे पे जो बटर गार्लिक का साइड है वो ऊपर की तरफ रखना है। तवे को अच्छे से गरम करके उस पे तेल लगाइए, अच्छे से सारी जगह पे तेल लगाना चाहिए, नहीं तो ये चिपकेगा। और तवे पे रख के सेकिए। अभी इस पे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम तंदूर में नहीं बना रहे हैं इसलिए तवे पे बना रहे हैं, तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, पर ढक्कन देना है ताकि उसे दोनों तरफ से बाफ लगे, जैसे तंदूर में होता है दोनों साइड से उसे बाफ लगती है, गर्मी लगती है, वैसे ही से दोनों साइड से गर्मी लगने के लिए ढक्कन देना है। अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो बबल्स आए हैं, मतलब है आपका नान अच्छे से आटा इसका गूंथा गया है। अब इसे दूसरी साइड से भी हल्के से सेंकना है। ध्यान रखिए आपका लहसुन जलना नहीं चाहिए। अब ये स्टेज पे आप इस पे चीज़ डाल सकते हो, अगर आपको चीज़ गार्लिक नान बनाना है तो ऊपर से, बट एक बार आपने चीज़ डालने के बाद उसे वापस सेंकना नहीं है। तो ये है आपका बटर गार्लिक नान रेडी, एकदम होटल की तरह आप घर पे भी बना सकते हो। थैंक यू हमारे रेसिपीज़ देखने के लिए, ऐसे ही हमारे रेसिपीज़ देखते रहिए।